केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी भ्रमण पर पहुंचे। सिंधिया ने आदिवासी परिवारों के लिए बनाए गए जनमन आवासों में गृह प्रवेश कराया, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में शिरकत की। संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने शिवपुरी के ग्राम हातौत में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्घाटन किया। विकास के चलते शासन से स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास कर उद्घाटन किया। वहीं सिंधिया ने एक आवास में पहुंचकर आदिवासी महिला का बना घर देखा। मंच से बोलते हुए सिंधिया ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हातौत गांव की तरह अन्य गांवों में भी विकास होगा। और मंच से सिंधिया ने हितग्राहियों को नव निर्मित आवासों की चाबियों और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। 280 मीटर की सीसी रोड बन चुकी है, 5 लाख का चौपाल बन चुका है, 12 लाख का सामुदायिक भवन बन चुका है, 8.5 लाख का पेवर लग चुके हैं। अकेले हाथोड़ गांव में ही 35 लाख का कार्य जनमन योजना के आधार पर हो चुका है। घर के बगैर घर को डालोगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का एक घर है, 2.5 करोड़ का ये हो गया, 35 लाख का ये काम, 3.25 करोड़ रुपए का काम ग्राम हाथोड़ में हो चुका है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, हमारी सोच विचारधारा भारत को विकसित बनाने की है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की है। लेकिन वो कब संभव हो पाएगा? वो तभी संभव हो पाएगा जब हातोड़ जैसे हरेक ग्राम और अनसुईया जी, ललिता जी, उषा जी, विद्या जी जैसी मेरी एक एक आदिवासी बहन और मनीष जैसे मेरा एक एक आदिवासी भाई के हाथों को हम मजबूत कर पाएंगे, तब विकसित भारत का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे मेरे भाई और बहनों।